सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजय, आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल गेम नॉलेज में। सो गाइस, जब आप फ्री फायर अभी खोल रहे हो तो गाइस आप लोग फ्री फायर में एक न्यू पोस्टर आया बर्मुडा बैंटर के नाम से। गाइस बहुत सारे इसके डाउट आ रहे कि भाई ये क्या है, इसमें क्या होने वाला, क्या फ़ायदा है, कुछ हमको इसमें से मिलने वाला है, कुछ फ्री होने वाला। तो गाइस बहुत सारे डाउट है, तो गाइस आपके सभी डाउट इस वीडियो के एंड तक क्लियर होने वाले। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। उससे पहले गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस नीचे लाल कलर का बटन दिखता होगा, जाकर सब्सक्राइब कर दो। एक सेकंड लगेगा सब्सक्राइब का, बट आपको फ़ायदा होने वाला लाइफ टाइम के, क्योंकि फ्री फायर के जो भी इवेंट आएंगे एकदम शॉर्ट टाइम में फुल डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो गाइस आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। सो गाइस ये बर्मुडा बैंटर क्या है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले गाइस अगर बर्मुडा बैंटर के एकदम नीचे जाते हो तो गाइस यहाँ पे लिखा गया है कि यह 31 तारीख को गाइस आज आए। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आप जाओगे तो बहुत सारे और भी जो फ्री फायर में आज तक अपडेट आए, तो गाइस ये एक टाइप का अपडेट है, बर्मुडा बैंटर एक टाइप का अपडेट है। यहाँ पे अगर आप लोड मोड करोगे तो जो गाइस फ्री फायर में अभी तक अपडेट आए सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑपरेशन करोनो प्रोजेक्ट को। उसके साथ साथ फ्री फायर का जो 3rd एनिवर्सरी आया था उसका पैच अपडेट, तो गाइस एक टाइप का पैच नोट अपडेट है। मतलब क्या इस पैच में अपडेट आने वाला, गाइस जानते हैं जब भी फ्री फायर का जो भी अपडेट आता तो गाइस उस समय आपको एक पैच नोट अपडेट मिलता है कि इसमें सब जानकारी लिखी होती है कि इसमें क्या क्या है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे अपडेट लिखा गया कि पेट और पेट की स्किल्स। तो गाइस पहले आप जानते थे कोई भी पेट में कोई दूसरे पेट की स्किल यूज नहीं कर पाते थे, आप जो पेट यूज करते उसी की स्किल यूज कर पाते थे। बट गाइस अब ऐसा है कि रोबो पेट में आप वैगुर पेट का भी स्किल यूज कर सकते। तो गाइस ये भी बीच में अपडेट आया था, इसको पैच स्किल यहाँ पे लिखा गया है। तो गाइस फ्री फायर में आज तक जो भी पैच अपडेट आया, न्यू मैप आया या विंटरलैंड इवेंट आया, तो सब कुछ गाइस यहाँ पे आपको पैच नोट मिल जाएंगे। तो सेम गाइस फ्री फायर का जो बर्मुडा बैटर इवेंट मतलब बैंटर इवेंट आया, ये भी गाइस एक टाइप का पैच नोट है जो कि आपको फ्री फायर में अपडेट जो आने वाला है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिली है। और गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सभी लोड मोड करते जाऊँगे जो भी आपको यहाँ पे अपडेट पढ़ना होगा उस पर बस आपको क्लिक करना होगा, उसके बारे में आपको फुल नॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे गाइस यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ कि ग्रेवयार्ड के बारे में मुझको नॉलेज लेना है कि जो ग्रेवयार्ड आया था, तो ग्रेवयार्ड ऑन बर्मुडा पे बस मुझको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ग्रेवयार्ड जब आया था उसके बारे में क्या है सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। तो गाइस ये एक टाइप का मतलब बर्मुडा जो बैंटर यहाँ पे आया गाइस वन टाइप का ये मतलब आपको पैच नोट दिया गया, इसके बारे में नॉलेज दिया गया जो कि फ्री फायर में जो न्यू अपडेट आने वाला OB27 अपडेट उसके बारे में। गाइस यहां पे अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है बर्मुडा बैंटर स्टेट ऑफ द कैरेक्टर सिस्टम। तो गाइस अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या अपडेट यहां पे लिखा हुआ है। तो गाइस फ्री फायर जो सर्वे लेता है उस सर्वे के रिलेटेड यहां पे फ्री फायर ने कुछ बातें बताई है कि हम फ्री फायर में कुछ ऐसी चीजें करने वाले जो आप लोगों के डाउट थे। तो गाइस सबसे फर्स्ट यहां पे आ रहा है कि स्विचिंग कैरेक्टर एंड स्किल। तो गाइस फ्री फायर में अभी ये हो रहा है कि आप कैरेक्टर को अगर आपको चेंज करना है, मेल से फीमेल जाना है, तो गाइस आपको पूरा फ्री फायर के लॉबी से निकलना पड़ता है। जैसे पहले आपको गाइस कपड़ा चेंज करने के लिए निकलना पड़ता था, बट अभी कपड़ा आप लॉबी में रहते रहते भी चेंज कर सकते हो। बट आपको अगर अभी कैरेक्टर चेंज करना है, मेल से फीमेल जाना है, तो आपको लॉबी से बाहर जाना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर आपको स्किल चेंज करना है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो फ्री फायर ने गाइस यही सोचा है कि आप लोगों के आप लॉबी में रह के आप कैरेक्टर की स्किल चेंज कर सकते हो, तो गाइस ये फ्री फायर में आप लोगों को जल्दी दिखाई देगा। उसी के साथ साथ गाइस फ्री फायर में कुछ ऐसा भी सिस्टम हुआ कि क्लैश में आप लोगों का कुछ कैरेक्टर के स्किल यूजलेस है। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर के स्किल है जो क्लैश स्क्वाड में यूजलेस होते हैं, तभी फ्री फायर में मतलब क्लैश स्क्वाड में उसके कारण आपके जो प्लेयर होते हैं आपके साथ जो खेलते हैं वो लेके आ जाते हैं, इस रीजन से आपके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्री फायर इसके बारे में भी सोच रहा है कि इसको हम कुछ चेंजेस कर देंगे कि कैरेक्टर स्किल आप क्लैश स्क्वाड में लेके नहीं आ पाओगे, आपको पहले चेंज करना होगा तभी आप क्लैश स्क्वाड मैच खेल सकते हो, ऐसा भी कुछ रूल्स लाने वाला है। और इसके साथ साथ गाइस अगर आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। तो गाइस यहाँ पे सब कुछ बारे में बताया गया कि आपके फ्री फायर के OB20 से अपडेट के पैच नोट में क्या क्या है, इसके बारे में नॉलेज दिया गया। और जो भी चीज़ें गाइस यहाँ पे लिखी है पूरे 100% ये नहीं होंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें आपके बाद में भी आएंगे। उसी के साथ साथ गाइस फ्री फायर का जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया फ्री फायर के सर्वे में, जो उन्होंने मतलब यहाँ पे पाया कि गाइस सब लोग पूछ रहे कि हमारे फ्री फायर में जो फ्रेगमेंट्स होते गए, जैसे कि आपको जानते हैं फ्री फायर में आपको अगर कैरेक्टर स्किल अपडेट करना होता है तो आपको फ्रेगमेंट के साथ साथ आपको गोल्ड कॉइन चाहिए या डायमंड चाहिए। अगर आपको जैसे लेवल 4 से लेवल 6 जाना होता है, आपके पास 2000 फ्रेगमेंट की जरूरत है, आपके पास हो गया है, तभी भी आपको गोल्ड कॉइन चाहिए उसको लेवल अप करने के लिए या डायमंड चाहिए आपको लेवल अप करने के लिए। तो गाइस इससे प्रॉब्लम होता था कि फ्री फायर में बहुत सारे प्लेयर बोलते थे जब हमने फ्रेगमेंट कलेक्ट कर लिया तो हमारा फटाक से मतलब एक्सचेंज करके हमारा अपडेट हो जाना चाहिए, और हमारा जो गोल्ड कॉइन है हमने मतलब लक रॉयल के लिए रखा है, गोल्ड रॉयल के लिए रखा है। इसके लिए गाइस फ्री फायर ने सोचा कि आपके डायरेक्ट मतलब अपडेट हो सकते हैं। तो गाइस ऐसा फ्री फायर के जो जो प्रॉब्लम्स आए ये सब के सोल्यूशन फ्री फायर सोचा है कि OB27 अपडेट के बाद आप लोगों को दे सकता है। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे एक और प्रॉब्लम निकल के आता है कि फ्री फायर में बहुत लोग पूछ रहे हैं जो आपके हयाटो का, जैसे इलाइट हयाटो है, साथ ही साथ हमारे केली का जो स्विफ्ट गाइस जो मतलब अवेकन कैरेक्टर स्किल है, जिसमें ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आपको अवेकन कैरेक्टर स्किल यूज़ करना है तो आपको अवेकन कैरेक्टर ही लेना होगा। जैसे अगर आपको हयाटो यूज़ करना है, लाइट
हैट हायाटो, तो आपको हिलाइट हायाटो कैरेक्टर में ही आप दूसरे कैरेक्टर की स्किल ऐड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डीजे आलोक में सोचोगे हिलाइट हायाटो का यूज़ कर दूँ और स्विफ्ट का आप सोचोगे कि हम डीजे आलोक में यूज़ कर सकूँ। तो गाइस फ्री फायर ये भी सोच रहे कि आपका जो इलाइट मतलब इलाइट स्किल होगी, जो अवेकिंग स्किल होगी, आप कैरेक्टर में आप एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये भी फ्री फायर का जो प्रॉब्लम है। तो गाइस ये सब फ्री फायर के जो पैच नोट आया बर्मुडा बैंटर के नाम से, उसके बारे में आपको यहाँ पर फुल डिटेल लिखी गई है और इसी के गलत गाइस यहाँ पर लिखा गया स्टेट ऑफ द कैरेक्टर सिस्टम। तो गाइस इसमें ये होने वाला कि फ्री फायर के बहुत सारे कैरेक्टर के स्किल यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ गाइस फ्री फायर में और यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो नए कैरेक्टर आए फ्री फायर में, जैसे जानते हो डीजे आलोक या क्रोनो हुआ, के कैरेक्टर हुआ या आपका स्कैलर हुआ, जो गाइज अभी न्यू कैरेक्टर आ रहे हैं एक्टिव स्किल कैरेक्टर, तो गाइज वो बहुत ही ओपी है। जो हमारे पुराने कैरेक्टर सब उसको धीरे धीरे भूल जा रहे, पुराने कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे अब जो जिनके पास डायमंड नहीं है, जो नहीं ले सकते गाइज, वो लोग जैसे एंड्रू ये सब यूज़ कर रहे हैं, बट उनको भी डीजे आलोक चाहते। और गाइज ऐसा फ्री फायर में कुछ ऐसे पुराने कैरेक्टर है जिनका स्किल अभी के टाइम यूजलेस है। बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे जो आपको मतलब ARMO का जो होता है स्पेस तो आपका बढ़ा देता है, बट गाइस आजकल फ्री फायर में उतना आपको एमओ ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है कि आपका रेड जोन के बाहर डैमेज कम करता है, तो ये सब फ्री फायर में अभी बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। तो फ्री फायर यही सोच रहा है कि जो पुराने कैरेक्टर के स्किल है उनमें भी कुछ चेंजेस किया जाए और जो न्यू कैरेक्टर स्किल है वो बहुत ही ओपी बन चुके हैं, तो उनका एक नॉर्मल स्किल किया जाए। नहीं तो क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं क्रोनो कैरेक्टर पूरा गेम को बिगाड़ के रखा है। अभी जानते हो क्रोनो कैरेक्टर बहुत लोगों को प्रॉब्लम है उससे, जिनके पास है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके पास नहीं उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो गाइस ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फ्री फायर सोच रहा है कि कैरेक्टर को इस स्किल में जो चेंजेस किया जाए जो उनके जो प्रॉब्लम के सलूशन आ जाए। तो गाइस आपको फ्री फायर का जो ये अपडेट आएगा इसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, कैरेक्टर के स्किल बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और गाइस जैसे फ्री फायर का एडवांस सर्वर आएगा तो उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल अच्छे से बता दूंगा। तो बस आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर देना, जो उनको भी फुल डिटेल पता चल जाएगी। गाइस बहुत लोगों का डाउट है कि ये इवेंट है क्या बर्मुडा बैंटर, मतलब क्या हुआ है। तो गाइज इसमें यही है कि आपके जो कैरेक्टर स्किल है बहुत सारे चेंजेस होने वाले, और गाइज मुझे कुछ अपडेट और निकल के आते तो मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा। इसके लिए आपको मैंने कि चैनल को सब्सक्राइब करते साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना है, जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन चली जाए। और गाइज मेन जो इसमें मैंने आपको फुल डिटेल बता दी कि इसमें क्या क्या है, तो गाइज ये वन टाइप का पैच नोट अपडेट है जो आपको फ्री फायर में अभी दिखाया गया 31 तारीख को। तो गाइज आपका जो एडवांस सर्वर आएगा कल 1 अप्रैल को, उसके बाद मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आई होप गाइज आप लोग सब कुछ समझ गएंगे कि इसमें क्या होने वाला क्या है। अगर तब भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।